तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कॉर्नर वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की दुश्मनी और प्यार से भरी सुपरहिट मूवी रामलीला की मूवी स्टोरी। तो दोस्तों चलिए, बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस रामलीला की मूवी स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है गुजरात के एक जिले रंझाड़ से, जो इल्लीगल तरीके से हथियारों को बनाने और बेचने के लिए मशहूर है। लेकिन रंझाड़ एक और चीज के लिए भी जाना जाता है, और वो है यहाँ पर रह रहे दो गुटों की दुश्मनी के लिए, जिनमें से एक गुट रजाड़ियों का होता है और दूसरा गुट सनेड़ाओं का, जिनकी दुश्मनी पिछले 500 सालों से चलती आ रही होती है। और एक दिन सनेड़ाओं का एक आदमी जिसका नाम होता है भवानी, वो रजाड़ियों के मुखिया मेघजी भाई के बेटे को मारने के लिए भागता है। और जब ये बात मेघजी भाई को पता चलती है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है, जहाँ भवानी और मेघजी भाई में लड़ाई होती है। और मेघजी भाई भवानी को मार नहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ मेघजी भाई का छोटा भाई राम आ जाता है, और वो अपने भाई को भवानी को मारने से रोक देता है, जिसकी वजह से भवानी वहाँ से भाग जाता है। और ये जो राम होता है वो चोरी की कारों का बिजनेस करता है, और क्योंकि राम ये बिजनेस सनेड़ाओं के साथ भी करता है, इसलिए रजाड़ियों के कुछ बड़े बुजुर्ग राम से नाराज होते हैं। तब फिर दिन आता है होली का, और राम अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे सनेड़ाओं के घर जाके होली मनाने का प्लान बनाता है। और सनेड़ाओं के यहाँ होली के जश्न के बीच राम की मुलाकात होती है सनेड़ाओं की मुखिया धनकोर बा की बेटी लीला से, जहाँ दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तब फिर अगले दिन जब लीला के बड़े भाई और धनकोर बा के बेटे कांजी को ये पता चलता है कि राम होली के दिन सनेड़ाओं के यहाँ आया था, तो वो बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से कांजी पुलिस को रिश्वत देके रजाड़ियों के घर रेड मारने के लिए कहता है। और जब पुलिस रजाड़ियों के यहाँ रेड मारने जाती है तो राम पुलिस को रिश्वत देके वहां से भेज देता है। तब फिर राम लीला दोबारा मिलते हैं और वो भाग के शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन उनकी किस्मत तब बदल जाती है जब एक दिन राम अपने भाई मेघजी के साथ एक जगह बैठा होता है कि तभी वहां से कांजी जा रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और दोनों बंदूक से एक खेल भी खेलते हैं, जिसमें गलती से कांजी की गोली से मेघजी मारा जाता है, जिसकी वजह से राम तुरंत गुस्से में आके कांजी को भी मार डालता है। और क्योंकि इस घटना के कारण रजाड़ियों और सनेड़ाओं में मतभेद और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से राम और लीला भागकर शादी कर लेते हैं और किसी जगह छिप जाते हैं। लेकिन राम के दोस्त ये जानते थे कि राम और लीला कहाँ है, जिसकी वजह से वो लीला के परिवार वालों को ये बता देते हैं। फिर भवानी जो लीला का कजन ब्रदर होता है वो वहां आता है और लीला को घसीट के सनेड़ा वापस ले जाता है, और ये जानकर राम बहुत दुखी होता है। लेकिन रजाड़ी राम को लीला की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की वजह से रजाड़ियों का नया मुखिया बना देते हैं। तब फिर धनकोरबा लीला की सगाई एक NRI लड़के से करने का फैसला करती है, लेकिन लीला इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि उसने पहले से ही राम के नाम की अंगूठी डाल रखी है। तब फिर धनकोरबा लीला को उस अंगूठी को उतारने के लिए कहती है, पर लीला उस अंगूठी को उतारने से मना कर देती है, जिसकी वजह से धनकोरबा लीला की उस उंगली को ही काट देती है जिसमें उसने उस अंगूठी को डाल रखा होता है। तब फिर धनकोरबा लीला और उस NRI की शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी लीला राम को ही अपना पति मानती है, जिसकी वजह से लीला अपने बड़े भाई की विधवा रसीला के हाथों राम के लिए उसको यहाँ से ले जाने का एक संदेशा भिजवाती है। लेकिन जब रसीला लीला का संदेशा लेके रजाड़ियों के एरिया में जाती है तो राम के दोस्त रसीला के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम का एक दोस्त रसीला को बचा लेता है, जिसकी वजह से रसीला वहां से वापस सनेड़ा भाग जाती है। और जब ये बात धनकोरबा को पता चलती है कि रजाड़ियों ने रसीला के साथ ऐसा किया, तो धनकोरबा भवानी को रजाड़ियों की विधवा बहू और मेघजी भाई की पत्नी केसर के साथ भी ऐसा ही करने के लिए भेजती है। लेकिन जब भवानी अपने आदमियों के साथ केसर का पीछा कर रहा होता है, तब केसर अपने आप को बचा लेती है, जिसकी वजह से भवानी और उसके आदमी चले जाते हैं। पर जब ये बात राम को पता चलती है कि उसकी विधवा भाभी के साथ ऐसा हुआ, तो राम गुस्से में सनेड़ाओं के घर जाता है, जहां वो धनकोरबा से कहता है कि कब तक वो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे, क्या वो बैठ के सुलह नहीं कर सकते। तब धनकोरबा रजाड़ियों से सुलह के लिए राम को नवरात्रि की पूजा में आने का न्योता देती है, लेकिन असलियत में धनकोर ने राम से सुलह करने के लिए नहीं बल्कि उसे मरवाने के लिए बुलाया था। और जब राम नवरात्रि की पूजा में सनेड़ाओं के यहाँ जाता है तो वहाँ धनकोरबा ने पहले से ही एक बंदूकधारी आदमी तैनात कर रखा होता है, लेकिन यह भवानी धनकोरबा को धोखा दे देता है
और वो राम के ऊपर गोली चलवाने के बजाय धनकोर बाबा ही गोली चलवा देता है, जिससे कि धनकोर की मौत के बाद वो खुद सनेड़ाओं का मुखिया बन सके और इस गोली को चलवाने का सारा इल्जाम राम पर आ जाए। लेकिन गोली धनकोर बा को लगती तो है पर वो मरती नहीं, बेहोश हो जाती है। और जब तक धनकोर बा ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए लीला को सनेड़ाओं का मुखिया बना दिया जाता है। और इस फैसले से भवानी बहुत नाराज होता है, इसीलिए एक दिन भवानी चलाकी से लीला से एक ऑर्डर पर साइन करवा लेता है और लीला भी उस ऑर्डर को बिना पढ़े साइन कर देती है। और क्योंकि वो ऑर्डर सारे रजाड़ियों को जान से मारने का होता है, इसलिए सारे सनेड़ा के आदमी रजाड़ियों के एरिया में घुस के सारी रजाड़ी औरतों बच्चों और आदमियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रंझार में एक बहुत बड़ी गैंग वॉर शुरू हो जाती है। और जब लीला को ये बात पता चलती है कि उसी की वजह से ये खून खराबा हो रहा है तो वो बहुत दुखी होती है और अपने आप को मारने का फैसला करती है। लेकिन तभी वहाँ राम आता है और क्योंकि राम को लीला पर ये विश्वास होता है कि लीला ऐसा ऑर्डर जानबूझकर नहीं दे सकती, इसलिए वो लीला को कुछ नहीं करता। पर क्योंकि दोनों ये भी जानते थे कि इस लड़ाई के बाद रजाड़ियों और सनेड़ाओं की दुश्मनी और गहरी हो जाएगी और वो इस जन्म में तो कभी एक हो ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे को जान से मारने का फैसला करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केसर अपने बेटे को लेके धनकोर बा के पास जाती है और वहां वो धनकोर से कहती है कि वो उसके बेटे को भी मार दे क्योंकि ये रजाड़ियों का आखिरी बीज है। और केसर की इन सारी बातों को सुनके धनकोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो रजाड़ियों के साथ सारी दुश्मनी खत्म करके एक साथ दशहरा मनाने का फैसला करती है। लेकिन भवानी केसर के लड़के को मारने की कोशिश करता है पर धनकोर बा भवानी को ही मार डालती है। और वहीं दूसरी तरफ इस बात से बेखबर कि धनकोर बा का हृदय परिवर्तन हो चुका है, राम और लीला एक दूसरे को गोली मार देते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। तब फिर रजाड़ी और सनेड़ा एक साथ राम और लीला को दफना देते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड यहीं हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को प्यार की एक अलग ताकत के बारे में जानने को मिलता है, जिसे जानकर मजा ही आ जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्टोरी इस रामलीला की, एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।